लेकिन मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है, देसी दाल, देसी मिर्ची का कूटा और ये। नमस्कार साथ, तो आज है रामा श्यामा का दिन, तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। तो सुबह हो गई है, हम लोग रेडी हो गए हैं, सुबह की 6 बजे है और हम लोग निकल रहे हैं अपने गांव के लिए जहाँ मेरे दादी सा रहते हैं, मतलब दादी सासू रहते हैं, काकी सासू रहते हैं, काकिया ससुर रहते हैं। तो दिवाली के दूसरे दिन जब पैर लगाई का दिन होता है तो हम लोग हमेशा ही सबसे पहले वहाँ जाते हैं दादी सा के यहाँ, और उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे चार भुजा जी जो हमारे इष्ट देवता हैं। तो ठाकुर जी कृष्ण भगवान के ही रूप होते हैं चार भुजा जी, और वहाँ पर हम जाते हैं अपने धोख देने के लिए नववर्ष की शुरुआत के लिए। तो आज का व्लॉग उसी पे होने वाला है, मैं लेके चलूँगी आपको मेरा ससुराल, जो मेरा गांव है जोधपुर, तो मेरी फैमिली रहती है लेकिन जो मेरा प्योर ससुराल गांव है वहाँ पे मैं लेके चलूँगी आपको, कराऊँगी आपको मेरी कुल देवी और इष्ट देवता के दर्शन और मेरे दादी सा से मिलवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये था हमारा कुलदेवी का मंदिर। तो वैसे तो पहले ये गांव से बाहर थे, मतलब मंदिर जो है वो गांव के बाहर था, लेकिन अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ शायद, 7-8 महीने पहले ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ हमारी कुलदेवी माता को हम हमारे गांव ले आए। तो अब ये मंदिर जो है ना, मतलब कुलदेवी का मंदिर यहीं पर स्थापित हो गया, नहीं तो पहले दूसरे गाँव में था, तो हम वहाँ जाते थे कुलदेवी की जोत करने। और धा खिकर यह है गांव का घर, पितृ देवता है हमारे, मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे रहती है काकीसा की जो भी गाय हैं, गाय भैंसे यहाँ पे बंधी रहती है, लेकिन अभी तो बाहर गए हुए हैं सब चरने के लिए। तो ये है घर का पीछे का एरिया, और
यहाँ पीछे से। तो ये है आज का देसी खाना जो मेरा फेवरेट है, दूसरों का हो ना हो, जिन सबको इतनी चीज़ें ये पसंद नहीं है गांव की, लेकिन मुझे गांव का खाना बहुत पसंद है। देसी दाल, देसी मिर्ची का कूटा और ये मस्त छाछ, वो भी घर की छाछ। तो ये है मेरा फेवरेट फूड ऑल टाइम। और आज गांव आई हूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी, काकी साह के हाथ का बना हुआ ज़रूर खाती हूँ। ये देखिए क्या लगी हुई है, सीजनल फूड है ये फ्रूट, अपना सीताफल ये लगा हुआ है। ये हो गया हमारे अमरूद का पेड़ और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो एक बार देखते हैं। और ये है घर की हरी मिर्च जो घर में उगाई है और इसी को अभी अभी मैंने खाया है, बहुत टेस्टी थी। ये भिंडी, क्या बात है क्या बात है, जोरदार हो कैसा जिसा ले इसमें पकड़ा पर। अब बढ़िया सीताफल ना, कितने घीवा सीताफल, तो ये जो आवाज सुनाई दे रही है ना, सुकून की आवाज, की चिड़िया, ये गिलहरी, ये सिर्फ गांवों में ही सुनने को मिलती है। शहरों में गाड़ियों की आवाज़ों के बीच में ये सब चीज़ें कहीं खो सी जाती है, तो ये जो सुकून है ये यहीं पे अवेलेबल है, बाकी दुनिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। गोमती नदी जिसके किनारे पे श्री चारभुजा नाथ का मंदिर है, तो बस पापा जी उतरे हैं दर्शन करने के लिए। अब हम जा रहे हैं पहले रूप नारायण जी और उसके बाद चारभुजा जी के दर्शन। की जय, बोल रूपाली श्याम की जय। तो ये है रूप नारायण जी का मंदिर, पहले हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल ग्रहण था तो चारभुजा जी के पार्ट अभी खुले नहीं हैं, तो वहाँ अभी सफाई चल रही है, उसके बाद वहाँ दर्शन हो पाएंगे। तो हम पहले यहाँ आ गए, नहीं तो हमेशा पहले चारभुजा जी के दर्शन होते हैं उसके बाद यहाँ के दर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ के दर्शन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं सर। नाथ की जय हो। गा गा भजन गा, मग डोला खा ये पड़ी है जल रे माही, मग डोला खा अरे आपकी बार तो पार लगा दो चार बुदारा, बुदा गिरदारी रे गिरदारी रे ¡Gracias!
तो ये है मंदिर, हो गए हैं नए साल के हमारे चार पूजा जी के दर्शन और अब हम कर रहे हैं परिक्रमा। पहुंच गए हैं हम लोग फिर से घर, रात हो गई है और पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया, तो थकान वाला चेहरा दिख रहा होगा आपको। तो आज का ये व्लॉग था हमारा गांव का घर और इष्ट देवता और कुलदेवी के दर्शन का व्लॉग। तो आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।